देखिए भैया कहीं कहीं भूल जाए तो ऐसा मौसम होगा तो तुम भी थोड़ी मैं सलाह ऐसा ही होगा कर लूँ। तीन व्यक्तियों ने अच्छे से सुनी हूँ सब, तीन व्यक्तियों ने रोटी बनाई और एक हट्टी धर दी, ठीक है शाम के टाइम। तीनों ने रोटी बना के शाम के टाइम खा ले थकी थी सो गए, ठीक है। एक आदमी उठो उसने रोटी खाई और उन्हें सोची यार दो जनों ने रोटी नहीं खाई है, तो उन्हें खाई और बाकी की एक एक कुत्ता को डाली और ढाक के लग गई और वो भी सो, ठीक है। फिर एक दूसरा व्यक्ति उठो उन्हें भी ढाक के और एक कुत्ता को रोटी डाली और वो भी सो, ठीक है। तीसरे आदमी उठो तीसरे आदमी ने भी रोटी खाई उठी और उन्हें सोची कि अब दो आदमी जो है खाना खाने के नाम में रह गए और मतलब उठे नहीं है सो गए, तो उन्हें भी रोटी खाई और एक कुत्ता हो रहा और ढाक कर बोली सो गए, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि कितनी रोटी बनाई जो सबने खाए बराबर और कुत्ता को भी डाली, कुत्ता को भी डाली उनने बराबर को और वो भी करी मतलब है सबने बराबर खा भी ली और ढाक के रख ली कुत्ता को भी डाली, तो ऐसी कितनी रोटी बनी कि जो मतलब इनको डिवाइड करके बताओ कि कितनी रोटी बनी उनने एक फलाने ने इतनी खाई जब मेरे कुत्ता को डाली एक एक डिटेल में बताओ को बता सकते क्वेश्चन सही होने चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन बताएगा उससे मैं डिटेल पूछूंगी कि हाँ इतनी रोटी बनी और इतनी इतनी खाई और इतनी इतनी बना। वो पूरा हिसाब लगा देंगे मैम इसमें कितनी रोटी फलाने ने खाई कितनी गुप्ता उड़ा रही कितनी बची पूरी दवाई का जो बताएगा उसे 1000 रुपए इनाम दूंगी। चीजों की जानकारी नहीं देते हो देते हैं तो उससे क्यों नहीं बनती, वो आया नहीं होगा शायद जिस दिन आपने बोला है पढ़ाया होगा। चलो ठीक है पीछे आप हो खड़े हो हाँ मालूम है उसकी साइड भी देखो तुम लोग हमारे साइड थे तुम बताओ अपने भारत की राष्ट्रपति कौन है। लालियों में से क्यों तुम लोगों को पीछे खड़ी हो बेटा हाँ रुको अब आप मालूम है कौन है रुक जाओ पीछे मत देखो तुम बताओ मालूम है ये देखो आप नहीं है मालूम प्रधानमंत्री कौन है अपने मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अरे उनके साइड क्यों देख रहे हमसे पूछ देख के बताओ पेन कापी में लिख के नहीं बताना क्यों देख रहे किसी के साइड तुम लोग ऊपर देख के बताओ बताई दे गया आप नहीं है मालूम लोग देख लो जी हालत क्या है मध्य प्रदेश के शिक्षकों भाई आप लोग जब ऐसी पढ़ाई करवाओ कि जब अपने बताओ उनको कोई तो राष्ट्रपति को पता नहीं है कोई अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो छोड़ो वो अपने मध्य प्रदेश के सीएम को मालूम नहीं है क्या तुम अभी इनमें से हाथ किसने उठाया था तुम लोग कहो तो ना क्यों हाथ उठाओ तो खड़े हो अपने यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हाँ प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति अभी तो हाथ उठाओ तो तुमने है? नहीं है मालूम बैठ जाओ
एक बात बता, इन बच्चों में से 100% में से 10% को मालूम है बाकी के नहीं, क्यों नहीं? अच्छा है कि मतलब टीचर है, तू भी क्लास तो बड़ी हो, क्यों दिखे? अच्छा एक बात बताओ, टीचर आज समय पे रोज आते के नहीं? डेली कोई दिक्कत तो नहीं आती? आप लोग ऐसे कौन कौन से बच्चा हैं जो पढ़ लिख हैं कुछ बनना चाहते? हाँ बताओ बेटा, इतनी मस्करी मत करो, क्या बनना चाहते? सभी लोग, क्योंकि तुम और मुझे पता चलो चाहिए कि अगले महिलाओं की राज है। बच्चियां जो हैं, लड़की हैं, उनको हम में ज्यादा जरूरत क्या है? आगे तो बढ़ना है, आगे तो जैसे अब MBA, हमें ज्यादा जरूरी आप लड़कियों के लिए भविष्य के लिए क्या जरूरी है? तो पढ़ी नहीं आप, क्या जरूरी है बता, पढ़े हो के बता, नहीं मालूम आपको क्या है जरूरी? पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना। और कितना आगे बढ़ना चाहती हूँ अपने जीवन में? कुछ करना, मतलब जैसे ITS बनना, IAS बनना। गुड, सब में ज्यादा जरूरी है, सब में ज्यादा जरूरी है आपको वो ज्यादा जरूरी है ना? आगे तो आप बड़े बड़ोगे ही, पढ़ रही हो तो MBA, MA, BA तो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में ये जरूरी है पढ़ लिख कर कि आप अपने पांव पर खड़ी हो, आप किसी पर निर्भर ना हो, है ना? वो जरूरी है ना, ताकि आप पे कोई अत्याचार अन्याय ना कर सके, आपकी शादी आपकी समय आपकी उम्र से पहले ना हो सके, है कि नहीं? आप अपने जीवन के निर्णय खुद ले सके। लड़कियां अपने पांव पर खड़ी हो गई, आप ये बताओ लड़के भी हैं, इनको तो हर चीज की आजादी है कि नहीं है? हर चीज की आजादी तो, लेकिन क्या लड़कियों को नहीं है ना? लड़कियों को आजादी क्यों नहीं है और लड़कों को आजादी क्यों है? आप लोग नहीं सोच के हो, आप लोग भी सोच के नहीं हो, आप लोग बुद्धिमान हो, लेकिन आपके मम्मी पापा होते भाई वे अपनी जगह पे ही सही है, क्योंकि वो चीज सही रहे हो, तो आप लोगों की ऐसी सोच नहीं। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि लड़कियां अपने पाँव पर खड़ी होना जरूरी है, तभी आप लोग कुछ कर सकते हो, इस देश का नाम रोशन कर सकते हो, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, स्वयं का तो है सारी चीजें, तो उसके लिए आप लोगों को एक निर्णय बनाना पड़ेगा और उसके लिए फोकस करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, इसी चीज पे फोकस करोगे ना? अगर एक चीज पे दिमाग लगाओगे और अपने विचार में एक बात मन में रखोगे कि मुझे ये काम करना है, जब कोई शिद्दत से कोई काम करता है उसे सारी कायनात उस कोशिश को लग जाती है, जिसकी कोशिश कामयाब होनी चाहिए कि नहीं? उसमें आप लोगों की लगन जरूरी है भाई, पढ़ना देखो, एक होता है पढ़ना, तो पढ़ लिख के ऐसे बहुत से लोग हैं इस संसार में, तुम भी हो बहुत से हैं जो पढ़े तो हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे भी है कि उन्हें अगर पूछे बताओ ये अपने भारत की जानकारी तो बोले हुई ये जानकारी का आदर्श ग्राम जेरट जो उच्च शिक्षा जीरठ में है, स्कूल है 10वीं 11वीं 12वीं, तो इस स्कूल में मैं आई हूँ और मैंने देखा है कि जहाँ शिक्षा को लेके आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री से लेके हमारे CM से लेके सभी जितने भी नेता हैं जिनकी सोच है कि बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छे से मिलने चाहिए, तो
उसमें मैंने देखा है कि एक क्लास में कम से कम बच्चे 150 हैं, 50 हैं, किसी में 60 हैं, तो कहीं कहीं स्थिति ये है कि बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं, ना कुर्सी है ना टेबल है। बच्चों को पढ़ने लिखने की सब सुविधाएं नहीं हैं। सभी बच्चों ने शिकायत की है मुझसे कि ये जो ग्राउंड है, बच्चों को ग्राउंड भी नहीं है, इस ग्राउंड के अंदर गंदगी भी रहती है, जो कुछ लोग हैं गंदगी भी कर जाते हैं। तो शिक्षकों ने भी मांग की और सभी बच्चों ने भी ग्राउंड की मांग की है। और मेरा मानना है कि ये बड़ी दुख की बात है कि जहां इतनी अच्छी बातें की जाती हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी को लेके, और आज देखने के लिए जहां आदर्श ग्राम जहां पे ये स्कूल है उसमें बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा है और बच्चे भी सब परेशान हैं। अभी इस क्लास में हैं, ये 9th की क्लास है, सब ज़मीन पर बैठे हैं, उनको कुर्सी टेबल नहीं है। पर्याप्त नहीं है मैडम, कुछ कक्षाओं में कुछ कक्षाओं में हैं लेकिन 9वीं के बच्चे पूरे बैठे हुए हैं ज़मीन पर, ये स्थिति है। पर दूसरी स्थिति ये है कि मैंने बच्चों से कुछ ऐसे सवाल किए, 9वीं के बच्चे जो हैं, एक लड़की है जो 9वीं में पढ़ रही है, वो कजरेटी से आती है, तो मैंने उससे इंग्लिश में कुछ पूछा तो उससे बना नहीं, मैंने हिंदी उससे पूछी कि तू किस गांव की है, तो उसने बोला कजरेटी। मैंने बोला बेटा थोड़ी लिख के बता, तो उसने कजरेटी नहीं लिख पाया, वो हिंदी का उच्चारण जो अपन स्पेलिंग करते हैं हिंदी की, वो भी ठीक तरीके से नहीं कर पाई। तो जो शिक्षक है हमारे यहाँ पढ़ाने में, ऐसा नहीं कि कोई टीचरों की किसी ने शिकायत की हो, टीचर बाकायदा आते हैं और टाइम से आते हैं, सब पढ़ाते हैं, अतिथि शिक्षक आते हैं, टीचरों की शिकायत नहीं है। पर कहीं ना कहीं टीचरों की शिकायत मैं अपनी तरफ से मानती हूँ और लापरवाही मानती हूँ कि बच्चों को आज इतना नॉलेज नहीं है कि हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है। 9वीं क्लास में 100 में से 10 बच्चों को पता है, बाकी के 90 को जानकारी नहीं है कि कौन है। किसी को CM का पता नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री का पता नहीं, किसी को प्रधानमंत्री का पता नहीं है। तो आज हमारा कहना है टीचरों से कि बच्चों से ऐसे सवाल भी किए जाएँ देश दुनिया की, और कुछ ऐसी किताबों से हटके उनसे पढ़ाई करवाई जाए, उनसे सवाल जवाब करे जाएँ जो उनके बुद्धि का परीक्षण हो, उनसे उनको उसकी जिज्ञासा हो जानने की कि हाँ इस सवाल का जवाब मुझे देना है और ऐसा मुझे करना है। तो मैंने कुछ सवाल बच्चों से पूछे हैं, एक बच्चे 10वीं में 5 इसमें 11वीं में एक बच्चे ने सवाल का जवाब दिया है, मैंने अपनी तरफ से खुश होकर उसे 500 रुपये भी दिए हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बच्चे ने बताया है। बाकी के 12वीं के बच्चों ने नहीं बता पाया, 9वीं के बच्चों ने नहीं बता पाया, बहुत से सवाल मैंने किए। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जब इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गांव के कुछ अमीर लोग हैं वो इसी कारण से बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं कि इन सब चीज़ों की कमी है। तो मैं चाहती हूँ कि टीचर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बना दें, ताकि सभी के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगें, और टीचरों की मेहनत रहेगी तो ये काम संभव हो सकता है। मैं एक बात ज़रूर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय हमारे भाई शिवराज सिंह जी से, चौहान जी से कहना चाहूँगी, या शिक्षा मंत्री से कहना चाहूँगी कि जहाँ ऐसी ऐसी कमी है कुर्सी टेबलों की, ये छोटी बात है बिल्कुल, और इनको जल्दी मुहैया कराया जाए, जल्दी उपलब्धि कराया इनको दिया जाए, ताकि ऐसी कोई बच्चों को बैठने उठने की दिक्कत ना हो।